हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में। एलयू ने जारी किया है आदेश, 19 अक्टूबर को काउंसलिंग नहीं होगी। तो आपकी बीएड की जो काउंसलिंग है 19 अक्टूबर को होने वाली थी, तो अब आपकी काउंसलिंग 19 अक्टूबर को नहीं होगी। न्यू काउंसलिंग डेट क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे सोमवार को नहीं होगी बीएड की काउंसलिंग। तो जो आपकी बीएड की काउंसलिंग है वो सोमवार को नहीं होगी। जो आपकी काउंसलिंग पहले कब होनी थी, 19 अक्टूबर को आपकी काउंसलिंग होनी थी। तो अब आपकी काउंसलिंग 19 अक्टूबर को नहीं होगी, आपकी काउंसलिंग पोस्टपोन कर दी गई है। तो ये पेपर कटिंग है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आगे देख लेते हैं। एलयू ने आदेश जारी किया है कि 1 लाख से अधिक स्टूडेंट का फाइनल का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। कई यूनिवर्सिटी की लापरवाही की वजह से 1 लाख से अधिक स्टूडेंट को परेशानी हो रही है, क्योंकि फाइनल का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। इसलिए विश्वविद्यालय ने एलयू से काउंसलिंग डेट आगे बढ़ाने की गुहार की थी, क्योंकि फाइनल का रिजल्ट जारी ना होने के कारण जो फाइनल के स्टूडेंट हैं वो काउंसलिंग नहीं करा पाते, जिससे यूपी बीएड एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स आने के बाद भी स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता। इसलिए आपकी काउंसलिंग डेट है वो पोस्टपोन कर दी गई है। आगे भी आपकी जो काउंसलिंग डेट है जारी की जाएगी। तो एलयू शासन को इसकी रिपोर्ट भेजेगा, शासन से काउंसलिंग की न्यू डेट जारी की जाएगी। तो जैसे ही न्यू डेट आती है मैं आपको नया वीडियो लेकर आऊँगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।